आज महाराजा सुहेलदेव राजभर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। देश के इतिहासकार जो हमारे इतिहास को नहीं लिख पाए थे, आज वो सभी जो वर्तमान में इतिहासकार बने हैं वो सब हमारे इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर लिखने का काम कर रहे हैं, उस पर चर्चा और शोध करने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जो एक सिद्धांत था, जो सोच था कि जब तक समाज एकता के रास्ते पर नहीं बढ़ेगा, जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सरकार से, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उनसे मांग कर रही है और अनवरत हम संघर्ष कर रहे हैं सदन से लेकर सड़क तक कि जब तक उच्च शिक्षा में महाराजा सुहेलदेव राजभर को नहीं पढ़ाया जाएगा तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमारे इतिहास के बारे में नहीं पता चल पाएगा। इसीलिए प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा में हम महाराजा सुहेलदेव राजभर के इतिहास को दर्ज कराने का काम करने के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सर, गाजीपुर का नाम बदलने की जो प्रेरणा चल रही है कि योगी जी को चिट्ठी लिखी गई थी, तो अभी तक क्या विचार है? देखिए, हाँ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री शक्ति सिंह जी ने इस जिले का नाम बदलने के लिए एक प्रस्ताव हम लोगों को दिया था और उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को जब चिट्ठी लिखा था कि आप जो मुगलों द्वारा बनाया गया जो हमारे इतिहास, जो हमारी संस्कृति रही है, जो हमारे सनातन संस्कृति में जो हमारे पौराणिक इतिहास रहे हैं, उन इतिहासों को बचाने के लिए महाराजा सुहेलदेव राजभर हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, छत्रपति साहू जी महाराज हों, ज्योतिबा फूले हों, जितने भी महापुरुषों ने अच्छा काम किया है, देश के लिए काम किया है, राष्ट्र के लिए काम किया है, ऐसे लोगों के नाम पर जो विदेशी आक्रांता मुगलों द्वारा बदला गया है उसको सही करने का वक्त आ गया। इसीलिए हमने गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर करने का प्रयास जो हमने किया था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमने चिट्ठी पहुंचा दी है। अभी सदन चल रहा है, उसमें चर्चा भी होगी और तमाम चीजें, उस पर तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने बहराइच का भी नाम महाराजा सुहेलदेव राजभर नगर करने की डिमांड किया है और वहां भी प्रयास चल रहा है। लखनऊ जो हमारे लाखन राजभर जी उनके लखनऊ जो उन्होंने बसाने का प्रयास किया था उस पर भी हमने चर्चा करने का प्रयास किया है कि हमारे जो इतिहास रहे हैं उन इतिहासों को बचाने का काम हमारे लोग नहीं करेंगे तो दूसरा हमारा नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि गाजीपुर और लखनऊ और बहराइच का नाम बदला जाए। इसीलिए अभी प्रक्रिया में है, जल्द ही उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई सरकार के द्वारा होगी, नहीं होगी तो हमारी लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। कानपुर देहात में एक कांड हुआ है जिसके प्रति अभी दिखा जा रहा है कहीं ना कहीं मामले, ऐसे बहुत सारे मामले घट रहे हैं क्योंकि योगी जी के बोर्ड पे हर जगह चलाया जा रहा है, गरीबों को भी चलाया जा रहा है। देखिए, भूमाफिया के नाम पर अगर भूमिहीनों का मकान गिराया जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा तो ये गरीबों के साथ अन्याय होगा और हम गरीबों के साथ अन्याय कभी देख नहीं सकते ना बर्दाश्त कर सकते। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी स्वतः जाकर मुलाकात भी किए थे और उनको अवगत कराया था कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं तहसील स्तर के हैं वो लोग भूमाफिया के नाम पर जो गरीब 20 साल 25 साल 50 साल से जिस जमीन पर बसा है, चाहे आबादी की हो, बंजर की हो, चाहे जीएस की जमीन हो, चाहे भूमि भीटे की जमीन हो, उस पर बसा है तो वो जहां बसा है उसको उसी के नाम खसरा खतौनी देने का काम किया जाए। लेकिन कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं, उसी की वजह से कानपुर में जो घटना हुई किसी भूमाफिया के ऊपर नहीं का घटना हुई, वो किसी गरीब के मकान को गिराने का प्रयास किया गया था। तो अब सरकार इस पे गंभीर है, हमको लगता है कि जो हमने प्रयास किया था कि भूमिहीनों को उनको उनके जहां बसे उनके नाम खसरा खतौनी दिया जाए, तो मुझे लगता है कि सरकार इस पे पहल कर रही है और ये गरीबों के साथ अन्याय करने का एक प्रयास चल रहा है कि हम भूमाफिया के नाम पर गरीबों का मकान नहीं उजड़ने देंगे। आने वाला 24वां चुनाव है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जनता के दम पर चुनाव लड़ेगी। देश की जनता मालिक है, जज जनता है, फैसला जनता को सुनाना है, जनता को उठाना है और जनता की अदालत में हम लोग लगातार हमारे नेता कार्यकर्ता हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रकाश राजभर जी अनवरत 24 घंटा जनता के बीच में काम कर रहे हैं और जनता जो फैसला करेगी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता जिस तरफ खड़े होंगे, बिना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के किसी की सरकार अब देश और प्रदेश में बनने की तैयारी नहीं है। इसीलिए सबको माननीय ओम प्रकाश राजभर और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जरूरत है, जब वो दौर आएगा तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। सर, सदन चल रहा है, गाजीपुर के लिए क्या होगा? देखिए, गाजीपुर के लिए जो काम हमने किया था, जैसे हमारे प्रस्ताव पर ही बनाने का प्रस्ताव, हमने गाजीपुर में तमाम जो छोटे छोटे समस्याएं थी, बड़ी समस्याएं थी, चाहे सड़क की हो, चाहे नाली की हो, खड़ंजा की हो, चाहे जो भी समस्या जनता द्वारा हमको बताई जाती है, हम सदन के बीच में जनता के समस्याओं को लेकर के हमारे नेता हमारे माननीय विधायकगण वहां मजबूती से अपनी बात रखने का काम करते हैं। लेकिन जिन सरकारों को जनता ने मौका दिया था उन सरकारों ने इन पिछड़े दलित कमजोरों के साथ जिस तरह हम लोग उस अन्याय को न्याय में बदलने के लिए अनवरत हमारे नेता सदन में संघर्ष कर रहे हैं और सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। हमको लगता है को भी बहुत कुछ मिलेगा और आने वाले समयों में गाजीपुर की धरती हमेशा से क्रांतिकारी रही है, वीरों की धरती रही है, शहीदों की धरती रही है, तो
धरती और वीरों की धरती कभी खाली नहीं होती है, कुछ न कुछ जरूर यहाँ मिलेगा और आने वाले समयों में इतना कुछ मिलेगा कि ये आप कल्पना नहीं कर सकते। प्रशासन के लोग क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि प्रशासन के सामने जो कानपुर घटना हुई है, जो आग लगी थी, प्रशासन के लोग भी वहाँ मौजूद थे लेकिन वो कुछ नहीं कर। देखिए, जो प्रशासन के लोग ऐसे कर रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा हो रहा है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सरकार की है। हम एज ए विपक्ष में हैं, हम जनता की आवाज़ हैं और जनता की आवाज़, किसी भी गरीब के साथ अन्याय होगा तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उसको न्याय दिलाने के लिए सदन में उससे सवाल भी पूछे जाएंगे कि अगर उन अधिकारियों द्वारा अगर गरीब का मकान गिराया गया, उनको उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया, उनकी मृत्यु हुई, तो उनके साथ अन्याय जो अधिकारियों ने किया उनको कठोर कठोर सजा मिले, उनके साथ जो है गरीबों के साथ अन्याय हो, ये पहल हम सदन में करने का काम करेंगे।